हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज की मेगा अपडेट में। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बात करनी है। पहले तो सैंड ने बहुत ज़्यादा 17% की अपराइड दिखाया है। हमें क्यों दिखाया है? 400 मिलियन की यहाँ पर फंडिंग हुई है सैंड बॉक्स में। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी, हम चार्ट्स को देखेंगे। बिटकॉइन का बुलिश लग रहा है, बेरिश दिख रहा है, क्या टेक है? और जो चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत अच्छी प्यारी चल रही हैं और उनके बारे में मुझे बस आके बताना है आपको। अब सिर्फ वही बचा हुआ है हमारे पास कि हमें देखना है। हमने बातें कल आपको बता दी थी और जो चीज़ें अब प्ले आउट हुई हैं मुझे बस आपको बताना है कि क्या क्या कैसे प्ले आउट हुआ है। देखिए, सबसे पहली हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मैंने स्टार्ट किया है रिसेंटली एंड इस पर मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। जो हमारा होता नहीं था अपना वो वाला सेशन डेली क्रिप्टो हिंदी वाला जिसमें मैं न्यूज़ कवर करता था, तो मैंने सोचा उसमें वहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट वहाँ पर डालूंगा। टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर वीडियोज़ आएंगी, ठीक? तो आप इसको सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक होगी आई थिंक, और भी लिंक को चेकआउट करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। तो सबसे पहले तो सैंडबॉक्स जो है 17% उठ गया है क्योंकि उसमें फंडिंग वैल्यूएशन मांगी है $4 बिलियन की और $4 बिलियन की वैल्यूएशन पे $400 मिलियन उठाए गए हैं फंड रेजर के तौर पे। तो कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच रहा है सैंडबॉक्स, ये बात तो पक्का है। और जिस तरह से रैली की है, दिखाता हूँ इसका, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ सैंडबॉक्स का। तो सैंड ने क्या रैली की थी, 15 मिनट है तो 4 आवर्स का, ये देखो रैली की थी। सैंडबॉक्स का चार्ट जो है हमारे पास ड्रॉन था ऑलरेडी और आई थिंक ये मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी सबके साथ। तो सैंडबॉक्स में कुछ नया नहीं हुआ है, हमारे चार्ट में जो ड्रॉन जगह थी वहीं से इसने पुल बैक किया। तो जिन्होंने हमारे दिए हुए चार्ट्स को फॉलो किया वहां से भी 17-18% का प्रॉफिट बनाया होगा। देखो एकदम बॉटम हमारे ही रेड एरिया के एकदम नीचे आया था, एकदम नीचे यहीं पर, और यहीं से उठा। तो दैट मींस कि हमारे चार्ट वर्क कर रहे हैं। तो इसी बात पे एक लाइक करना। और अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की। तो सीरियसली अब देखिए यहाँ पर बिटकॉइन में क्या हो रहा है। सबसे पहले डेली देखेंगे या 4 आवर? डेली देखते हैं, चलो डेली देख नहीं, पहले 4 वीकली देखते हैं बिकॉज वीकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वीकली में हमें लगाना होगा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, क्योंकि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा है। देखो क्या हुआ है, बिटकॉइन ने यहाँ से रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने का मतलब क्या है, वीकली कैंडल में जिसने तोड़ा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को, और मैंने बताया बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर रहता है तो चीज़ें बुलिश होती हैं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे रहता है तो बेरिश हो जाती हैं। और ऐसा हमेशा सही नहीं है लेकिन हुआ है, ठीक? और ये बन रहा था हमारा, कौन सा बन रहा था, ये इवनिंग स्टार था, ठीक? मॉर्निंग स्टार नीचे से बनता है, ये इवनिंग स्टार था, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहाँ से हमें बेरिश हो गई चीज़ें। बेरिश होने के बाद क्या हुआ कि हम जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे येलो वाली, उसी येलो वाली ट्रेंड लाइन पे हम फिर से टेक लगाने आए। देखो पहले हम नीचे गिरे थे, ये लगभग गिरे थे आई थिंक आज से 1-2 महीने पहले, फिर नीचे गिरे, फिर इसी येलो वाली लाइन को हमने सपोर्ट लिया और अभी आजकल में हमने फिर से इस येलो वाली लाइन को सपोर्ट लिया। तो दैट मीन्स कि ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना के बैठी हुई है। तो यही देर सवेर जो हमें बचाएगा बेयर मार्केट में, वो यही बचाने की एक उम्मीद है। अब इससे हम लोग कब तोड़ते हैं या तोड़ते भी हैं कि नहीं, तो वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो जो रैली हुई है रिसेंट, वो रैली कैसी हुई है, वो रैली हमें इस रेंज के बाहर ले गई 41.7 के ऊपर। और इसको समझने के लिए हमें ये चार्ट देखना होगा। ये चार्ट हमारा बहुत परफेक्टली वर्क करता है, जब भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया है तो इस चार्ट ने हमेशा वर्क किया है। देखो तो इस चार्ट में हुआ क्या है कि हम इस रेंज से बाहर आए रिसेंट रैली में 41,000 से लेकर 42,200 तक। और एग्जैक्टली देखो, मतलब प्रिसीजन देखो आप कितना एग्जैक्ट वर्क करता है हमारा चार्ट। ये देखो यहाँ पे पॉइंट हमारी गई विक, और विक एग्जैक्टली 42.175 तक गई, 42.2 के करीब, ठीक? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। वहीं से जाके इसने तुरंत रिवर्सल किया, अभी 41.2 के अराउंड आई। यहाँ सपोर्ट लेना भी इसने हमारी पर्पल लाइन पर शुरू किया। तो अब क्या हो सकता है, पहली चीज़, जब इस जगह पर आई थी मैंने वार्निंग बोली है, बहुत से लोगों को बोला है, मैंने आज टेलीग्राम पर पोस्ट भी डाला था कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चल रही हैं, तो अपने SL के साथ चलना जहाँ भी चलना मार्केट में, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब क्या कर सकते हो आप लोग, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, हो सकता है बिटकॉइन इस रेंज पर सपोर्ट ले आकर, इस रेंज पर अच्छा सपोर्ट ले। कौन सा रेंज है ये, हमारा है अराउंड 40,000 के आसपास, समथिंग। तो DCA करके एक अच्छा लॉन्ग हो सकता है अगर यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक दिखे, बुलिश पैटर्न कुछ दिखे या वॉल्यूम दिखे अच्छी। दूसरा, उसके नीचे आके हम फिर से अगर रेड में आते हैं तो वहाँ से फिर बाउंस दिख सकता है। और रेड कौन सा एरिया है, $39,000 से लेकर $38,400 के आसपास का।
तो वहाँ से भी हमें देखने को मिल सकता है बाउंस. अच्छा, तो एक अच्छा एरिया. अब बात करते हैं अपने फेवरेट को. अच्छा सॉरी, पहले हमें तो ये बात करनी है, तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का क्या हाल चल रहा है. अभी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड चल रहा है 42,700 के अराउंड, और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को अगर हम वीकली में देखें तो तकरीबन ये करीब करीब आ गया था आज, और $200 या $100 के पीछे ये नीचे आ गया, उल्टा हो गया. यानी ये आ गया था 42,000, लगभग आया था 42,200, और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बैठा है 42,400. तो इतना तो चलता है, इतना माना भी जाता है. अगर यहाँ से प्राइस एकदम नीचे लुढ़क जाए ना, तो इसको मैं रिटेस्ट कहूँगा. तो ये रिटेस्ट के लिए ऑलरेडी तैयार है. तो वही एक चीज़ है कि ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को कन्फर्म कर रहा हो सकता है. और अगर अच्छी कोई बुलिश न्यूज़ आती है तो ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन यहीं से ऊपर की ओर रैली स्टार्ट कर दे. और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जोन है वो ये है 43,500 से लेके 44,500. तो ये एक रेजिस्टेंस है, और नीचे का ये 40,000 का एरिया भी अच्छा मजबूत एरिया है, जहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम और डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राइस ने सपोर्ट लिया है इस जगह पर. तो आप ये लगाकर देख सकते हो. अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर. आप देखोगे कि यही एक रेजिस्टेंस है हमारा अच्छा 43,500 से लेके 44,500, और जहाँ पर करेंटली हम लोग हैं वहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था. उसके अलावा प्राइस स्लिप होकर हमेशा 38,039 आया है जब भी इस जगह से नीचे गए हैं हम लोग. तो आप समझ सकते हो मेरा इशारा कहाँ पर है. तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग फेवरेट कॉइन की तरफ. जो हमारा फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है SCRT, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. अब इसमें आप बायस भी कह सकते हो मेरे व्यूज़ वगैरह, लेकिन पर्सनली मुझे SCRT बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. अब देखो क्या हुआ है, SCRT ने बुलिश रन की 4.6 से ऊपर गया. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 5.1 का, 5.1 के तकरीबन एकदम 5.1 से ही इसने रिवर्स किया आज. 4 आवर में देख लेते हैं और क्लियर दिखेंगी चीज़ें. तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले इसने रेजिस्टेंस यहाँ बनाया था 14 अप्रैल को, अभी फिर से इसने रेजिस्टेंस हल्का सा लिया है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है. और ये सिर्फ तब हो रहा है जब बिटकॉइन नीचे आया है, ऐसा नहीं है कि SCRT आना चाहता है. जैसे जैसे बिटकॉइन नीचे आता है उसकी ग्रेविटी में सब नीचे आते हैं. तो आप SCRT को एक्यूमुलेट कहाँ कर सकते हो, मैं आपको जगह बताता हूँ. पहला परफेक्ट जोन 4.22 के आसपास है, अगर वहाँ आता है तो आप SCRT को एक्यूमुलेट ज़रूर करना. दूसरा, आप सैंड के बारे में अब मैं बात कर लेता हूँ. सैंड ने तो अच्छी रैली की ही है, सैंड का यही एक रेड जोन है जो एक्यूमुलेशन जोन है, आप इसके नीचे लेने की कोशिश करना. सैंड 2.58 तक आया था, मैं मान नहीं सकता 2.58 तक आया था, इतने सस्ते में आपको इतना अच्छा टोकन मिल रहा था. तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे वेल्स ने एक्यूमुलेट किया होगा. आई थिंक 2.5 के अराउंड, 2.2 के अराउंड इसको एक्यूमुलेट करना कोई ख़राब बात नहीं है. बात करते हैं अब हम लोग डॉट के बारे में. डॉट इज़ पोलका डॉट, और इसका अगर हम यहाँ पर हिडन कर दें EMAs, तो हम देखते हैं ज़रा डॉट में क्या हो रहा है. तो डॉट ने रिसेंटली हमारे इस रेंज से ब्रेकआउट ले लिया, और इस रेंज से ब्रेकआउट, ये कौन सी रेंज है हमारी, 18.7 से 17.9 से ऊपर गया अच्छी खासी. जिन्होंने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया होगा उनका यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना होगा 19 तक. आई थिंक कितना बना होगा, लेट मी सी, 4 से 5%. ज़्यादा डॉट नहीं देता है, अक्सर धीरे धीरे चलता है. तो अभी नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के चांसेस हैं यहाँ 18.6 तक ये रिटेस्ट करें वहाँ आकर. तो ये दैट्स इट फॉर टुडे. और किस चीज़ की बात कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कुछ कॉइन्स ऐसे जो शायद आप लोगों की डिमांड आए. लूना के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे, तो लूना देखो कहाँ से हाथ से छूट गया, फिर से अच्छी एंट्री 80 से 74 के बीच में से ये लूना फिर से छूट गया. एक और बार रिटेस्ट करने भी आया था, देखो यहाँ पर रिटेस्ट करने भी आया था 88 वाले जोन को, और अभी फिर से 94 के आसपास है. लूना ने बहुत बार यहाँ पर एंट्री दी है लोगों को पिछली इस बेयर मार्केट में. और लूना का मैंने आपको बता के रखा है बेयर बुलिश टेक, कि इस साल मुझे लगता है अगर कोई कॉइन में मजबूत दम है कि वो पूरी बेयर मार्केट को झेल ले जाए तो वो लूना ले जाएगा, मुझे लगता है उसमें है, उसके इकोनॉमिक्स में इतना दम है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई थिंक आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगेगा, अगर लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना इस सेकंड वाले को, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और जो भी चीज़ें आप लोग को चाहिए हो कमेंट में आप चार्ट कमेंट करना, एंड कोई प्रॉफिट हो तो वहाँ पर शेयर करना. दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.